नमस्कार दोस्तों, गियरबॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी गाड़ी की जो है स्विफ्ट की फोर्थ पेड सर्विस जो कराते हैं, फोर्थ ईयर एंड पे जो होती है वो करा के लाए हैं। यानी कि या तो आप 40,000 किलोमीटर पे ये सर्विस कराते हो या आप 4 साल पूरे हो जाएं तब आप कराते हो। तो आज हमने ये सर्विस कराई है। मैंने ये सर्विस इस बार ना तो अरीना पे कराई है, ना मैंने इसे नेक्सा पे कराई है। मैंने इसको इस बार कराया है मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, जो कि कई पेट्रोल पंप्स पे भी होते हैं और कई प्राइवेट लोग भी इसको लेते हैं, और वहाँ भी पूरा ऑथराइज होता है मारुति का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं सिर्फ ये ट्राई करना चाहता था कि वहाँ बिलिंग और काम में कितना फ़र्क आता है। तो प्रीमियमनेस तो वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत बेसिक से चीज़ें होती हैं, लेकिन काम क्या होता है कि जैसे मैं गया तो जाते ही मेरा काम शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ 4-5 गाड़ियाँ ही थी। और ये मैंने यहाँ द्वारका में कराया है, बागडोड़ा से पड़ता है वहाँ, सेक्टर 8 द्वारका में, वहाँ कराया है एक्सेल शोरूम से। और उसमें क्या है, मेरी फोर्थ सर्विस में काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने डलाई हैं। तो जैसे मैंने इसमें एयर फिल्टर डलाया है और ऑयल फिल्टर डला है, ऑयल डला है, नॉर्मल वाला मैंने ऑयल डलवाया है, और इसमें कूलेंट डला है थोड़ा सा 1 लीटर, क्योंकि इसमें काफ़ी पहले से ही था, अभी रिसेंटली मैंने जून में डलवाया था। और इसमें मैंने एक एसी का अंदर फिल्टर होता है जो कि गाड़ी के अंदर लगा होता है, जैसे जब आप ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ एक स्क्वेयर सा बॉक्स जो खोल के और वहाँ डलता है, वो एयर फ्लो का वो करता है, तो वो भी डलवाया मैंने। तो और ऑयल जो है गियर बॉक्स में जो गियर ऑयल होता है वो भी डलवाया है मैंने, और ब्रेक साफ़ कराई हैं मैंने इसमें, और उसका वो चार्ज अलग से लगा रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि यार ये तो लेबर में ही होता है, तो वो उसमें मान गए, बोले ठीक है। और इन्होंने मेरा टोटल ये GST वगैरह लगा के, आप बिल देखो, इन्होंने 6518 रुपये बनाया है, लेकिन मैंने मान लो डिस्काउंट मान लो या कुछ भी कह लो, तो उन्होंने बोलने पे मुझे बोला कि आप 6,000 ही कर दो। तो मैंने ये कराया है। इसमें ऑयल डले हैं और दो तरह के, इंजन ऑयल और गियरबॉक्स ऑयल डला है, और कूलेंट डला है 1 लीटर, और जिसका उन्होंने कॉस्ट लगाया है इसमें 237 रुपये और विदाउट टैक्सेस। और सर्विस में फ़िल्टर्स डल गए, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड एसी फिल्टर, ये सब चीज़ें इसमें डली हैं। स्क्रीन जो आप वो एक शैम्पू सा होता है, स्क्रीन शैम्पू, वो भी डला है इसमें, ये सब चीज़ें हमने इसमें डलवाई है। अब मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इसको 9:50 अपने घर से निकला था, मेरे घर से पास में है इसलिए मैं लेके गया, क्योंकि कन्वीनियंट पड़े, क्योंकि मारुति नेक्सा भी पास में है, अरीना पास में नहीं है, अरीना लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो और वहाँ भीड़ भी काफ़ी होती है, तो मैंने सोचा कि भीड़ से बचने के लिए जल्दी काम कराता हूँ, इसलिए यहाँ गया। मुझे लगा क्या पता पैसों में भी कमी पड़े थोड़ी सी, बट पैसों के हिसाब से तो मुझे नहीं लगा सस्ता, बट मेरा काम सारी है मेरी आंखों के सामने हुआ है क्यों। और प्रीमियमनेस तो मत सोचना, बट ये है कि अगर आप जो भी आप काम अपनी गाड़ी में कराना चाहते हो, जो भी पार्ट अपनी आँखों के सामने डलते हुए देखना चाहते हो, तो वो आप देख सकते हो। और उन्होंने मेरी वॉशिंग के लिए अभी डिनाई किया है, उन्होंने बोला है, सजेस्ट किया कि मुझे कि हम घर तो देते हैं लेकिन अभी बारिश हो रही है तो आप इसको ना कराओ, और आप 15-20 दिन या पर 1 महीने बाद जब भी करानी हो आप उस दिन करा लेना, और आज आप सिर्फ इसको अंदर से क्लीन करके उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी दे दी है। और ये है मारुति स्विफ्ट 2019 का मॉडल है, 1200 cc इंजन आता है इसमें, और जो ये है ये LXi वेरियंट है, और इसकी सर्विस कॉस्ट आप देख लीजिए, तो 6,000 रुपये आपको सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ी है। चाहे तो मैं चाहता तो इसमें एसी फिल्टर नहीं डलवाता, या फिर मैं इसमें ऑयल फिल्टर तो ज़रूर डलता, लेकिन और वो फ़िल्टर भी काफ़ी टाइम से नहीं चेंज हुआ था, तो मतलब साल साल में इतनी चीज़ें करा लेनी चाहिए। अगर स्पार्क प्लग भी चेंज होने थे, बट उन्होंने बोला कि चेक कर लेते हैं, वो बोल रहे कि आप करा लो, फिर मैंने बोला कि एक बार साफ़ करके देख लो, अगर ठीक चल जाए तो इसमें 4 स्पार्क प्लग डलते हैं स्विफ्ट में, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, आपको हम ये मॉइस्चर क्लीन करके दे देते हैं, तो फिलहाल आप चला लो इसको, तो 1 साल शायद मैं अभी इसको और उसी स्पार्क प्लग से चलाऊंगा। वो भी 850 रुपये का था, तो मेरे हिसाब से वो GST वगैरह लग के 1,000 रुपये का और बैठ जाता, तो वो चीज़ हमने नहीं कराई है, स्पार्क प्लग चेंज नहीं कराए हैं, 4 डलते हैं इसमें, तो उसको छोड़कर बाकी तो चीज़ें हो चुकी हैं। और सेटिस्फेक्शन लेवल बोलूँ तो प्राइस के हिसाब से तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लगा कि का मुझे लगा कि कम हो सकता है, तो होता क्या है कि लेबर कॉस्ट उन्होंने जो मेरे को चार्ज करी है, जो GST के साथ बोलूँ तो 2450 रुपये मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट में एक डिस्काउंट ही मान लो तरह का डिस्काउंट दे दिया उन्हें 500 रुपये का, अदरवाइज़ तो वो सर्विस कॉस्ट आप इस पर देख सकते हो, ये 2450 प्लस 441 रुपये GST लग के 2891 रुपये, तो
सर्विस कॉस्ट कर दी थी उन्होंने, और 3627 रुपये उन्होंने मेरे को यहाँ पार्ट्स के साथ 3073 के पार्ट्स, मतलब ऑयल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, फिल्टर तीन, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर और स्क्रीन वॉशर। तो आप ये टोटल गिनोगे भी तो 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें डलिए, तो 7 चीज़ें डलिए, तो वो लगा के यहाँ 3600 कुछ कॉस्ट कर रहे थे। तो ये बिल लगा के 3627 का करा और लास्ट में 6518 का करा, और मैंने इसे 6000 रुपये दिए, तो 5518 रुपये का हमें एक तरह से डिस्काउंट मिल गया है। अब मुझे लगा नहीं था कि इतना कॉस्ट लगेगा, बट अगर मैं वो फ़िल्टर्स और वो सब चेंज नहीं कराता तो शायद ये मेरी सर्विस और भी कम में हो जाती। तो ये चीज़ें देखिए कि लेबर कॉस्ट मेन चेक करना है आपको, और उनसे जाते ही पहले पूछ लेना है कि भाई लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे मेरे को लगा, मेरे को तो ये पता है कि जो ब्रेक्स वगैरह साफ़ होती हैं, पैड्स वगैरह और सारा, वो सब लेबर कॉस्ट में ही आते हैं। तो वरना तो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने का लेबर कॉस्ट कौन ही देगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसी में आनी चाहिए, बट वो बाद में डिस्काउंट होके कम हो गया। और सेटिस्फेक्शन, सामने काम करा है उसका सेटिस्फेक्शन है, जल्दी काम हो गया, विद इन 1 आवर मेरे को मेरी गाड़ी मिल गई। और वॉशिंग भी अगर लगती तो आधा घंटा और लगा लेते हैं हम इस पर, तो मतलब 1.5 घंटे में अगर आप गए और आपको गाड़ी मिल गई तो आपका पूरा दिन बच जाता है। तो ये एक फ़ायदा है मारुति ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाने का आने का। और पैसों के हिसाब से मैं लगता है पार्ट थोड़े सस्ते आपको अरीना दे देता है, तो वो अपने कोई अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को ना आपस में शेयर करनी चाहिए। क्योंकि हर कोई, जैसे मेरी फोर सर्विस, तो मतलब पहली बार ही अपनी गाड़ी की फोर सर्विस कराने जा रहा हूँ स्विफ्ट की, तो अगर किसी ने कराई हो और वो हमें पहले बता दे कि भाई ऐसे ऐसे ये घपला करते हैं या ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं, और आपको अरीना में बेस्ट है या नेक्सा में बेस्ट है। नेक्सा फालतू का हाइप है, एक बात तो बताओ ना, सब इतना घटिया नेक्सा का एक्सपीरियंस है ना मेरा, तो गाड़ी हमने ये ली, यहाँ भी बेकार एक्सपीरियंस रहा हमारा। और मैं सर्विस में, मैंने पिछले लास्ट ईयर वहीं से कराई थी, तो मुझे तो लगा है वो ऑयल भी चेंज करते नहीं करते हैं, वो आधी चीज़ें करते हैं आधी चीज़ें नहीं करते हैं, और बस पैसा लगा देते हैं आपको। और गाड़ी एक एक्सपीरियंस और बताऊँगा कि गाड़ी हमेशा खुद जाके करवाओ, उनको मत, खुद जाके गाड़ी अपने आँखों के सामने कराओ। कभी किसी को गाड़ी, जैसे कंपनी आके हम पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, वो कभी मत कराओ, आँखों के सामने गाड़ी कराओ। साल में एक बार करानी होती है, दो बार कराने, तो टाइम निकालो और सामने सामने कराओ, फालतू में अपने पैसे बर्बाद मत करो, मेरा तो ये सजेशन जरूर रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके पास भी स्विफ्ट है और आपने फोर सर्विस कराई तो आपने कितने में कराई और कौन कौन से पार्ट डलवाए थे, ताकि बाकी लोगों को, क्या बताऊँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो और आपने उसको सही कराया हो, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस रहेगा, बाकी लोगों को भी हेल्प।